ब्रेकिंग बात आपका स्वागत है और अब बात उस नेता की जो वैसे तो अपनी भाषा शैली के लिए पूरे हिंदुस्तान में फेमस, लेकिन उनकी रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो वो उन्हें चुप तक नहीं कराते। बात नवजोत सिंह सिद्धू, ये रिपोर्ट। एक बार फिर सिद्धू ने पाकिस्तान प्रेम में डुबकी क्या लगाई, पीछा ही नहीं छोड़ रहा पड़ोसी मुल्क का भूत। जहां जहां जाते हैं गुरु, पाकिस्तान पीछे ही पड़ जाता है। अब देखिए ना, अलवर का एक वीडियो पूरे देश में घूम रहा है। यूं तो वायरल वीडियो को सत्यता की कसौटी पर कसा जाना बाकी है, लेकिन सिद्धू के सामने पाकिस्तान पाकिस्तान की आवाज ने विरोधियों को मौका दे दिया है। आपके नवजोत सिंह जी सिद्धू कई भाषण दे रहे थे, भाषण जैसे जैसे वो दे रहे थे नारे लग रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद, क्योंकि वो खुद जाके आए हैं पाकिस्तान, जैसे आपको मालूम है। शर्म भी नहीं आई, भाषण रोक के कह देते कि ये चीजों को आप लोगों को सबके सामने करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहने के बजाय वो तो अपना भाषण देते गए। सिद्धू के पाकिस्तान प्रेम पर सिर्फ विरोधी ही सवाल नहीं उठा रहे, अपनों ने भी चक्रव्यूह बना दिया है गुरु के खिलाफ। पाकिस्तान प्रेम से उत्प्रोत सिद्धू साहब दो दिन पहले कैप्टन कैप्टन खेलने लगे। बी टीम में खेलने के बावजूद ए टीम के कप्तान को अपना कप्तान बना दिया। बी टीम के खिलाड़ी इतने नाराज हुए कि पोस्टरबाजी शुरू हो गई। पंजाब कैबिनेट की बैठक में सिद्धू के साथियों ने ही सिद्धू के इस्तीफे का मुद्दा उठा दिया। ग्राउंड के अंदर उछाल कर मारने वाले सिद्धू कैच आउट होने के डर से सफाई देते नजर आए। Don't wash dirty linen in public. He's a fatherly figure. I love him. I respect him. I'll sort it out myself. But दरअसल हुआ कुछ यूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के मनाही के बावजूद उनके मंत्री सिद्धू पाकिस्तान पहुंच गए। मुख्यमंत्री जब खफा हुए तो सिद्धू एंड फैमिली राहुल गांधी को अपना कैप्टन करार देने लगी। इसी बात से कैप्टन अमरिंदर सिंह और कैबिनेट के तमाम मंत्री खफा है। बड़ बोलेपन के लिए मशहूर अब सिद्धू को सफाई देते नहीं बन रही। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।